एटा की करहल सीट से सपा मुखिया अखिलेश यादव की जीत के बाद आजमगढ़ की लोकसभा सीट खाली हो चुकी है। आजमगढ़ लोकसभा सीट पर उपचुनाव में बीजेपी और समाजवादी पार्टी पूरी तैयारी के साथ मैदान में है। 23 जून को वोट डाले जाएंगे, वही 26 जून को वोटों की गिनती की जाएगी। आजमगढ़ से बीजेपी की तरफ से भूजी वुड के फेमस कलाकार दिनेश यादव निरहुआ मैदान में है, तो वही समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव के भाई धर्मेंद्र यादव मैदान में है। दोनों प्रत्याशी जीत के लिए पूरा जोर लगाए हैं, जहां निरहुआ के लिए खुद यूपी के कैबिनेट मंत्री और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह कमान संभाले हैं, और साथ ही भोजपुरी इंडस्ट्री के कई दिग्गज कलाकार रोड शो के जरिए निरहुआ को जिताने की अपील कर रहे हैं, तो वही अखिलेश के भाई और सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव की जीत के लिए अखिलेश खुद डटे हुए हैं। समर्थक तो लगे ही है, साथ ही कुछ नाराजगी के साथ सुभासपा अध्यक्ष ओपी राजभर भी धर्मेंद्र यादव को जिताने की अपील कर रहे हैं। अगर बात करें आजमगढ़ जिले की, तो यहां 10 विधानसभा सीटें हैं और 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने यहां सभी सीटों पर जीत दर्ज कर क्लीन स्वीप किया था, लेकिन इस बार बात लोकसभा चुनाव की है। आपको पता ही है कि लोकसभा चुनाव कुछ हद तक विधानसभा चुनाव से अलग होता है, लेकिन हर चुनाव में जातीय समीकरण बहुत हद तक काम करते हैं। आजमगढ़ की बात करें तो यहां पर ओबीसी अल्पसंख्यक और एससी की आबादी बहुत है, इसलिए जहां अखिलेश ने धर्मेंद्र यादव के रूप में ओबीसी चेहरा मैदान में उतारा है, तो वहीं बीजेपी ने भी निरहुआ के रूप में ओबीसी कार्ड खेला है। बड़ी बात यह है कि इस सीट पर सपा प्रत्याशी को लेकर बड़ी कंफ्यूजन रही। कभी पूर्व राज्यसभा सांसद बलिहारी बाबू के पुत्र सुशील कुमार आनंद का नाम सामने आया, तो कभी अखिलेश की पत्नी डिंपल यादव का, लेकिन मुहर धर्मेंद्र यादव के नाम पर लगी। वहीं बीजेपी शुरू से ही दिनेश लाल यादव निरहुआ के नाम पर मुहर लगा चुकी थी। बड़ी बात यह है कि इन दो नामों के अलावा एक नाम और है जो आजमगढ़ के लोकसभा उपचुनाव में मजबूती से ताल ठोक रहा है, वो है गुड्डू जमाली, जिन्हें मायावती ने मैदान में उतारा है। गुड्डू जमाली दो बार 2012 और 2017 में बीएसपी से विधायक रहे हैं और मुस्लिम वोटों पर उनकी काफी मजबूत पकड़ है। बीएसपी ने मुस्लिम और एससी वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए गुड्डू जमाली को प्रत्याशी बनाया है, लेकिन असली चुनावी जंग बीजेपी और सपा में देखने को मिल रही है, क्योंकि ये सीट पहले मुलायम और फिर अखिलेश यादव की रही है और इस सीट पर जीत दर्ज करना सपा के लिए बहुत जरूरी है। वहीं बीजेपी भी पूरा जोर लगाए है कि किसी तरह निरहुआ को जीत का सहरा पहनाया जा सके, क्योंकि निरहुआ 2017 में अखिलेश के सामने हार चुके हैं। इस बार वो धर्मेंद्र यादव से नहीं हारना चाहते और अपने स्टारडम और बीजेपी के कोर वोटर्स के सहारे जीत का सहरा खुद सर बांधना चाहते हैं। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन आजमगढ़ के चुनाव में जीत दर्ज करेगा और कौन फिर से खाली हाथ 2024 का इंतजार करेगा। इस स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के यूट्यूब चैनल को, साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि चैनल से जुड़ी सारी लेटेस्ट अपडेट्स आप वक्त से पाएं।